आज की यह वीडियो मैथ से संबंधित आज का प्रश्न है आपके सामने। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो को हल कीजिए। ये प्रश्न क्लास टेन के एग्जाम में यूपी बोर्ड 2003 में पूछा गया है, आपके एग्जाम में दोबारा दोहराया जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज की वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक वन ही है, तो यहाँ पर फाइव और वन का गुणांक करेंगे क्या आ जाएगा, वन फाइव आ जाएगा। ठीक, तो पांच के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर चार आए, तो पांच एक कम पांच, पांच में से घटाओगे चार आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। ठीक, तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, इसमें हम देख रहे हैं एक्स कॉमन है तो एक्स ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर प्लस वन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस फाइव यहाँ पर है, एक्स माइनस फाइव इधर है, तो एक्स माइनस फाइव हम ले लेंगे कॉमन, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब यदि एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो तो एक्स बराबर फाइव, एक मूल फाइव आ गया, और यदि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस वन, दूसरा मूल यहाँ पर माइनस वन आ गया। ठीक, तो अतः नीचे ही लिख देते हैं, अतः दिए गए समीकरण के मूल एक्स बराबर फाइव कॉमन माइनस वन। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज की वीडियो प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।